तमाम सुपर एक्टर्स यू नो सोनाक्षी सिन्हा, प्रियांश शर्मा, साथ ही साथ बादशाह, वरुण शर्मा, अनु कपूर और राजेश शर्मा, ये जितने एक्टर्स हैं इनके साथ मिलाकर आप क्या बनाते हो? खानदानी शिफा खाना, क्वेश्चन मार्क। हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। चलिए बात करती हूँ खानदानी शिफा खाना की। आज फ्राइडे है, कल पिक्चर रिलीज हुई। मीडिया शो जब पिक्चर का दिखाया जाता है, डेफिनेटली फिल्म कैसी है वो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट थर्सडे को पता चल जाती है, बिकॉज हर जगह रिव्यूज आ चुके होते हैं फ्राइडे सुबह तक। फ्राइडे को ऑडियंस का दिन होता है फिल्म देखने का। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी आपको, सबसे पहले ये फिल्म अगर आप देखने जा रहे हैं तो थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाइए, बिकॉज फिल्म बहुत ज़्यादा लंबी है। फिल्म इतनी खींची गई है, जो फिल्म शायद 1.5 घंटे में कही जा सकती थी, वही फिल्म 2 घंटे 22 मिनट तक खींची गई है। जी हाँ, इस फिल्म का टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स 22 मिनट्स। इस लंबी जर्नी में, इस फिल्म में देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्टर्स हैं और उनकी एक्टिंग स्किल्स देखने को मिल सकती हैं, लेकिन उसके अलावा इस फिल्म में देखने के लिए शायद और कुछ ना मिले आपको। दूसरी बात, ये फिल्म जो है कंटेंट वाइज बहुत रिच है, क्योंकि कंटेंट इसका कहता है कि सेक्स के बारे में बात तो करो, बात करने में क्या बुराई है। यहाँ पर आज के ज़माने में, जहाँ 21वीं सदी में हम पहुँच चुके हैं, हर चीज़ में हम आगे निकल रहे हैं, हम मून पे दूसरी बार जा रहे हैं, मार्स पे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी सेक्स के बारे में बात करने में आज भी घरों में या लड़कियों के सामने सेक्स के बारे में बात करना, सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना आज भी लोगों के लिए एक टैबू है, एक मिथ है, जिसको ब्रेक करने के लिए ये कंटेंट बहुत अच्छा चुना गया है। डायरेक्टर शिल्पी दास गुप्ता हैं, उन्होंने बहुत बखूबी इस कंटेंट को लिखा है, बहुत बखूबी हंसाने की कोशिश भी की गई है। कोशिश जिस तरीके से इस फिल्म को बनाने की गई है, कोशिश बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं ये फिल्म मार खा गई। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ स्क्रीन प्ले की, शुरू से लेकर लास्ट तक इस फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी लूज रहा है। मतलब फर्स्ट सीन सेकेंड सीन से कुछ खास लिंक नहीं हो रहा। फिल्म में आप फील करेंगे कि काफ़ी सीन्स ऐसे हैं जिनकी शायद ज़रूरत ही नहीं थी। जी हाँ, बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जहाँ पर ज़रूरत नहीं लग रही थी कि यहाँ पे ये सीन आना चाहिए या फिर यहाँ पे ये डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग्स की अगर बात करूँ, काफ़ी जगह पर अननेसेसरी स्टेटमेंट्स हैं, अननेसेसरी ड्रैग्ड कॉन्वर्सेशंस हैं, लेकिन वरुण शर्मा जहाँ जहाँ डायलॉग बोलते हैं वहाँ वहाँ पर आपको हंसी ज़रूर आएगी। जी हाँ, यानी कि चूचा हमारा जब भी कुछ बात करता है हंसी जरूर आती है। एक कॉमेडी एलिमेंट ऐड करने की कोशिश पूरी की गई है, वरुण शर्मा को रखा गया है, वरुण शर्मा ने भी काफ़ी हद तक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अपने कैरेक्टर के काबिलियत के हिसाब से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। देखिए, दो चीज़ें होती है, एक होता है जब एक्टर जो है उसको जो रोल दिया गया है वो उसमें कितनी जान डाल सकता है, और दूसरा होता है जिसको जितना काम दिया गया है उसको वो बखूबी निभाता है। तो यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन के लिए वरुण शर्मा, प्रियांश और बादशाह, इनके पास इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप नहीं था, क्योंकि इनके लिए कैरेक्टर्स ही इतने थे, जितना इनको दिया गया इन्होंने बखूबी उस एक्टिंग को पोर्ट्रे किया ऑन स्क्रीन, विच इज़ वैलिड एंड क्वाइट गुड। लेकिन अगर मैं बात करूँ सोनाक्षी सिन्हा की, एक काबिलियत ज़रूर मैं बताना चाहूँगी, फगेट द फिल्म, फगेट द स्क्रीन प्ले, फगेट द डायरेक्शन, फगेट द कैमरा वर्क, एवरीथिंग, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा हैज़ लिटरली नेल्ड इट, बिकॉज उन्होंने अपनी काबिलियत के हिसाब से पूरी फिल्म को अपने शोल्डर्स पे, वन वुमेन आर्मी बनके उन्होंने पूरी फिल्म को अपने शोल्डर्स पे ड्रैग की और पूरी फिल्म को अपनी शोल्डर्स पे अच्छी तरीके से उन्होंने लैंडिंग करवाई है, विच इज़ अ गुड थिंग इन द फिल्म। कूडोज टू सोनाक्षी सिन्हा। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा जैसी बेहतर एक्ट्रेस होने के बावजूद ये फिल्म कहीं ना कहीं ऑडियंस को बोर जरूर करेगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा खींचा गया है फिल्म को। फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, या मैंने डायरेक्शन की बात कर ही ली, काफ़ी लूज डायरेक्शन है। डायरेक्टर अपनी बात जरूर बताना चाहती हैं शिल्पी दास गुप्ता, लेकिन किस तरीके से बताया जाए वो शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि फिल्म का जो एग्जैक्ट टॉपिक है वो कब रिवील होता है, रिवील तो खैर शुरू से ही हो जाता है, लेकिन क्या सोल्यूशन निकलता है, क्या क्लाइमैक्स होता है, ये कुछ ऐसा खास शॉकिंग नहीं है कि ओ वाओ व्हाट अ क्लाइमैक्स, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूँ फिल्म के फर्स्ट हाफ की, फिल्म के फर्स्ट हाफ में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टोरी खींची जा रही है, कोई बेस नहीं समझ में आ रहा है स्टोरी का, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बोरिंग है। एक पल के लिए आपको लगेगा कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, अभी मैं क्या करूँ, आगे क्या दिखाने वाले हैं, ये फीलिंग आएगी आपको। लेकिन अगर आप उस चीज़ को पास ऑन कर जाते हैं, आप झेल जाते हैं उस चीज़ को, तो इंटरवल के बाद आपको फिर भी थोड़ा ड्रामेटिक देखने, थोड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा, थोड़ा एक्चुअल वर्क ऑन द टॉपिक। यस, यानी कि बात तो करो, सेक्स के बारे में बात तो करो, इट्स नॉट अ टैबू।
सेक्स के बारे में बात करनी चाहिए लोगों को, और ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि लोगों को बंद कमरे में छुप के पर्दों के पीछे इसके बारे में बात करनी चाहिए, खुलेआम बात करनी चाहिए। दैट इज़ नॉट अ टैबू, अगेन आई एम रिपीटिंग इट। ये टॉपिक जो है वो इंटरवल के बाद निकल कर आता है कहीं ना कहीं, तो ऑडियंस जो है वो थोड़ा सा बोर हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ गानों की, तो कुछ गाने जेन्युइनली हमें फील देते हैं कि शायद स्टोरी स्किप होनी चाहिए, काश यूट्यूब की तरह वहाँ पर भी स्किप बटन होता और हम स्किप कर देते उसको। लेकिन अगर बात की जाए खानदानी शिफा खाना, जो ओवरऑल अगर मैं फिल्म की बात करूँ, मैसेज बहुत अच्छा देने की कोशिश की गई है। सोनाक्षी सिन्हा की एक्टिंग ए क्लास है, सोनाक्षी सिन्हा बहुत अच्छी लग रही हैं फिल्म में, उन्होंने पूरी जस्टिफाई करने की कोशिश की अपने रोल को, अपने कैरेक्टर को। उसके अलावा बाकी जितने एक्टर्स हैं, राजेश शर्मा, कोर्ट रूम ड्रामा सीन वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोर्ट रूम ड्रामा सीन को इस तरीके से दिखाया गया है कि कहीं ना कहीं आपको जॉली LLB 2 या जॉली LLB कह लें उसकी फीलिंग आएगी, और काफ़ी चीज़ें रिजेंबल करने की कोशिश की गई हैं, हंसाने की कोशिश की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं हंसी तो आएगी, लेकिन ऑडियंस जो है वो हंसते हंसते थोड़ा फंस भी जाएगी, क्योंकि थोड़ा बोर हो जाएगी। बट स्टोरी, कंटेंट और एक्टर्स की एक्टिंग, इन सभी बेसिस पर इस फिल्म को मैं देना चाहूँगी अपनी तरफ से 3 स्टार्स। जी हाँ, न ज़्यादा न कम, 3 स्टार्स इस फिल्म को देना चाहूँगी। और अच्छी हो सकती थी ये फिल्म, बादशाह का डेब्यू था, बादशाह की परफॉर्मेंस जितना उनको दिया गया था, ज़्यादा टाइम के लिए वो स्क्रीन पर नहीं दिखाई दिए बादशाह, जितना दिया गया था उतना उन्होंने किया। प्रियांश शर्मा का डेब्यू था, आई वुड से स्वीट, क्यूट, डिसेंट, गुड अपेयरेंस ऑन स्क्रीन, इतना ही। उससे ज़्यादा आप फिल्म खुद देखिए, खुद जज कीजिए। हर ऑडियंस अलग होती है, हर ऑडियंस की नज़र अलग होती है, हर दिल अलग, हर दिल की सोच अलग। आप डिसाइड कीजिए आपको फिल्म कैसी लगी। फिल्म के बारे में ये थी रिव्यू, और रिव्यू कैसा लगा और फिल्म देखने जाएंगे या नहीं देखने जाएंगे ये भी कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ ज्योतिना हक साइनिंग ऑफ।